आदाब नाजरीन, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की शह सुर्खियां। बादा द्रामशाला में आवाम का एहजाज, तामीर सड़क के लिए कम रकूमात मंजूर करने से नाला है आवाम। उत्तर प्रदेश आबरू रेजी व कत्ल पर गुंडों में कैंडल मार्च, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया आवाम ने मुतालबा। पंचायत आरनोड़ा गाठ में महकमे सेहत आमा के मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल, जल्द से जल्द मुस्तकिल करने और तमाम बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा। जिला रामबन की खड़ी में जमींदारों की इंतजामिया से नाराजगी, 12 बरस गुजरने के बावजूद भी ताहाल मुआवजा न मिलने से नाराज। ब्लाक काजीगढ़ की आवाम बुनियादी सहूलियत से महरूम, ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन ने हुकूमत को लिया आड़े हाथों। और अब पेश है खबरों की तफसील। बादा द्रामशाला के अवाम ने सड़क की तामीर के लिए हुकूमत की तरफ से 8 लाख रुपयों के बजाय महज 3 लाख रुपया मंजूर करने पर हुकूमत के खिलाफ एहजाज किया है। इसी दौरान ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन बारशाला ने भी मौके पर जाकर वहां लोगों से बात की और उनको हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने इस मौके पर नामा निगारों से इस मसले पर तफसीली बात भी की। सर, प्रोटेस्ट जो यहाँ पे हमने बहुत दुखी होकर किया है, जो छनमे से हम आज तक हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले सरूड़ी साहब ने कई बार दिलासा दिए और वोट लिए, रोड हमारा बना नहीं। अब चेयरमैन साहब को भी 2018 में बनाया था, एक दो बार ने भी हमारे साथ बोला कि रोड दे देंगे। और कुछ हमारा अमाउंट भी काटा जा रहा है। कल हमें तकरीबन 8,91,000 आता था, उसमें से कुछ लाइब्रेरी के लिए काटा और कुछ हाई सेकेंडरी रोड के लिए काटा। 91 जो है हाई सेकेंडरी रोड के लिए काटा और 3.5 लाख जो है लाइब्रेरी के लिए काटा, जबकि ख़ास ज़रूरत वो नहीं थी, ज़रूरत हमारे रोड की थी। और इसलिए हमने यहाँ ये प्रोटेस्ट किया कि हमें थोड़ा पैसा बढ़ जाए। तो हमारी पब्लिक ने भी शाम को थोड़ा एतराज़ मेरे साथ किया कि ये गलत हो रहा है, तो पैसा अब इनने बढ़ा लिया कुछ थोड़ा बहुत, अब और किसी फंड से शायद बढ़ा देंगे। तो इनके लिए चेयरमैन साहब का शुक्रिया है। प्रॉब्लम थी और आपने क्या इनको सलूशन बताया? जी नमस्कार, मैं ब्लॉक काउंसिल चेयरमैन द्रामशाला। ये जो पार्टिकुलर बधात पंचायत के लोग हैं और इसमें जो है वार्ड नंबर 1 जिसके मेंबर जो मेरे साथ में खड़े हैं खुर्शीद, ये कल जो है यहाँ जो ग्राम सभा हुई थी बैक टू विलेज 3 की, उसमें और इजलास में ये हुआ था डिसीजन की इनको जो है रोड देना है। लेकिन ये था कि पैसा कम होने की वजह से, क्योंकि पंचायत को हर जगह जो है पैसा देना था, तो उस कंडीशन से इनका थोड़ा जो है रोड के लिए पैसा कम पड़ रहा था, जो कि सिर्फ मेरे ख्याल में 3.5 लाख रुपए जो है इन तक पहुंचा था। अब डिसीजन ये हुआ कि ये चाह रहे थे कि हमारा रोड नहीं बनेगा तो इनको और पैसा हम कहाँ से क्रिएट करें। उसके लिए जो है मैंने इनको आश्वासन दिया है, क्योंकि बैक टू विलेज 3 फेज जो अभी चला है इसमें ब्लॉक काउंसिल के उसमें जो है 20% पैसा पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि वो 20% जो है इस पंचायत का जो है इन्हीं को हम दे दें। उसके अलावा जो कम पैसा पड़ेगा हम डीसी साहब से भी बात करेंगे और वीडियो मैम से भी बात हुई है और इनको भी आश्वासन दिया है कि आप फिलहाल जैसे ये इस वक्त अप्रूवल अगर इनको मिल जाता है जल्द से जल्द ये अपनी मशीन हायर करें और उसको काम शुरू करें, तो हम इनको और 5-6 लाख रुपये जो है अनटाइड से कहीं से भी करके इनको जो है रोड जो है लगभग 1 किलोमीटर का इनका बनना है और वो करके इनको दे देंगे। और वो ये जल्दी होगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इन्होंने अभी माना है और हम भी साथ में हैं, इनके कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं।
हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में एक 19 साला दलित लड़की की इज्तिमाई आबरोरेजी और कत्ल के खिलाफ गुंडोगाड़ी बलेसा में नौजवानों ने एहतजाज किया। उन्होंने एहतजाज के दौरान कसूर वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजी नौजवानों ने मोमबत्तियां जलाकर शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। ये गिलोना एक बहुत ही गंदा काम कुछ लोगों के द्वारा किया गया वहाँ पर, उसके लिए आज हमने यहाँ पर ये कैंडल मार्च रखा और उसका उस पे एहतजाज किया। और हम आपके माध्यम से वहाँ हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मनीषा जी को इंसाफ दें और वो जो मुलजिमान हैं उनको पकड़ कर एक कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई ऐसा कदम ना उठाए। मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि उस बच्ची को, उस बेटी को और बहन को इंसाफ दिया जाए ताकि आने वाली हर बहन बेटी सेफ रहे। के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं यूपी सरकार और हमारी जो सेंट्रल सरकार है उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो जो मनीषा के साथ जो घिनौनी हरकतें हुई है उसको वो क्या बोलते हैं उसको इंसाफ दिया जाए ताकि हमारा मुल्क जो है वो आगे चलकर बिल्कुल बच सके ऐसे घिनौनी हरकतों से। तो हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिल जाए और वो जो जिन्होंने ऐसे घिनौनी हरकतें की है उनको फांसी की सज़ा फौरी तौर पर सुनाई जाए। ज़िला डोडा के इलाका पंचायत आरनोड़ा घाट में महकमा सेहत आमा के मुलाजमीन ने गुज़श्ता 2 यौम से मुसलसल काम छोड़ हड़ताल की है। इन एहतजाजी मुलाजमीन का मुतालबा है कि 7 बरस बतौर आर्जी मुलाजमत मुकम्मल करने वालों को तहत ज़ाब्ता मुस्तकिल किया जाए, तमाम बंद पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और योमिया उजरत में मुताबिक सूरत मौका इजाफा किया जाए। इन एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वो अपने जायज़ मुतालबात के पूरा होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चिनाब टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। डोडा के इलाका आरनोड़ा लवर आरनोड़ा पंचायत घाट में इस वक्त हम एक वेल के पास खड़े हुए हैं। इनकी यही मांग है कि न ही इनको मुस्तकिल किया जा रहा है, न ही इनको कोई रोज़गार, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने काम छोड़ हड़ताल की है। आखिर क्यों की है ये इनसे हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे खड़े हैं आमिर हुसैन। सर आप बताइए क्या वजह है, क्यों आपने काम छोड़ हड़ताल की है? सर हमने काम छोड़ हड़ताल की है इसलिए ना ही हमें वक्त पर तनख्वाह मिलती है, ना ही हमारे पास वक्त पर कुछ मिलता है। इसलिए हम परसों 25 तारीख से काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। अब हमारा मकसद ये है कि या तो गवर्नमेंट हमें रेगुलर पॉलिसी दे या तो हमें गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करे। अगर गवर्नमेंट 28 तारीख शाम तक ये मसला नहीं हल करती है तो हमारी जो स्ट्राइक है ये 28 से ऊपर भी जा सकती है। कोविड-19 में भी आपने मुस्तकिल काम किया लेकिन सरकार आपको नज़रअंदाज क्यों कर रही है? ये सरकार की नालायकी है। जब तक हमने कोविड के दौरान भी हमने परमिट काम यहाँ पे किया तो अभी भी हमें पे वक्त पर नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? अब सरकार से हमें एक ही अपील है, या तो हमें सरकार रेगुलर पॉलिसी दे या तो सरकार हमें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट दे जो यहाँ हिंदुस्तान में हर जगह लागू है। सर ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे इनकी समस्या जो है ठीक ही हद तक है। ये भी बेचारे 20-25 साल से अगर यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनका जायज़ कहना है कि इनको जब पे ही नहीं मिलेगी तो काम कहाँ से करेंगे बेचारे। ये यहाँ पे आप देखिए हिल्स एरिया है, यहाँ पे ये ऐसे काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे साथ काम करते हैं, हमको पानी देते हैं। जब यहाँ पे बारिश होती है, बर्फ़ होती है, तब अगर कोई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आए वो देखे कि ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं हमारे साथ, अपना मतलब वो जो जान पे खेल के अगर ये पहाड़ी एरिया पे काम करते हैं
तो अगर इनको पे नहीं मिलेगी बाद में तो क्या करेंगे हम? अब हम यहाँ पे अब इनको हम 3 दिन 4 दिन से बोल रहे हैं पानी डालने के लिए, ये पानी नहीं डाल रहे हैं। अब हम इनको बोल रहे हैं ये कि पानी है नहीं, ये बोलते हैं हम जब तनख्वाह के बगैर हैं, हमारे बच्चे भी यहीं पे रहते हैं, ये भी पानी के बगैर रहेंगे, हम भी पानी के बगैर रहेंगे। कम अज़ कम गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका जो है सुने, कम अज़ कम इनकी बात सुने, इनको परमानेंट करे, इनको पे तो कम अज़ कम दो। पहले तो इनको मिलती थी थोड़ी बहुत कहीं दिवाली पे या ईद पे, अब तो वो भी नहीं मिलती है इनको कुदरती इनका भी। हम सरकार के लिए, आपका सरकार के लिए हमारा यही मैसेज रहेगा, कम अज़ कम इनके बारे में कुछ सोचें इनके बारे में कुछ, ताकि ये भी बेचारे आगे काम करें। इनके बाल बच्चे हैं, इन्हें उनको भी कुछ खिलाना है, कहाँ करेंगे ये जब इनको रोटी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ से काम करेंगे ये? देखिए प्रोटेस्ट जो है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जो है डेली वेजर है उसका हक है वो, क्योंकि वो जब परेशान हो जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प रहता है कि वो प्रोटेस्ट करे। जैसे अब पीएचई डेली वेजर्स की बात करें तो ये भी काफ़ी सालों से ही अपने जो है हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आज इन्होंने 25 तारीख से फिर ये डिमांड डाली हुई है कि हमको रेगुलराइज किया जाए, जो हमारे वेजेस हैं उनको क्लियर किया जाए। मैं तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट को यही अपील कर सकता हूँ कि आज इस जो है महामारी जो चल रही है, जो कोविड का टाइम है, इसमें अगर लोगों को पानी ना मिले, क्योंकि मेन सोर्स जो मेन बैकबोन रहती है पानी की डिपार्टमेंट की, वो यही डेली वेजर्स ही होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, अगर यही स्ट्राइक पे चले गए तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियां हो सकती है। तो हम अपने ही जो है आपको जो है आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, तो जो इनकी जो है परेशानियां दिक्कतें हैं उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाए। सर आपका शुभ नाम? मोहम्मद सलीवानी। सर लोगों का कहना है कि काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा है, तो सर क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा है पानी? मुलाजमों ने काम छोड़ हड़ताल क्यों की? सर पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप लोग हमारी ये जो डिमांड्स हैं, जो भी इस वक्त हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं या काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आप इस मीडिया के थ्रू हमारी जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। अब दूसरा रहा कि हम स्ट्राइक पे क्यों बैठे, 25 साल से हमको गवर्नमेंट ठगा रही है, गड़ी बो रही है, ये पॉलिसी बनाएंगे गड़ी बो रहे हैं, ये कर रहे करेंगे गड़ी बो रहे हैं, ये करेंगे। और 25 से जब हम काम छोड़ हड़ताल पे गए, जो हमको जम्मू से कॉल आई, जो बड़े लीडर हमारे भानु प्रताप जी हैं, रवि हंस है, जब उन्होंने काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी, तो इस वक्त पूरे जम्मू प्रोविंस में काम छोड़ हड़ताल पे सब लड़के चले गए हैं। तो हमारी जो डिमांड है इस वक्त पब्लिक के सामने वो यही है, गवर्नमेंट के सामने भी यही डिमांड है। 25 साल से हम यही डिमांड लेके चल रहे हैं कि हमारी रेगुलर पॉलिसी जो है वो सामने लाओ, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, अगर इन्होंने इस गवर्नमेंट ने अगर 317 को ख़त्म किया, यहाँ पर यूटी नाफिज की, तो अगर यूटी बनाई तो फिर हमको मिनिमम वेजेस एक्ट तो दो ना, जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त 18,000 या जो भी है ले रहे हैं, तो हमको भी दो। हम वही डिमांड कर रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलिसी है, दूसरा मिनिमम वेजेस जो एक्ट है उसको लागू करो, और तीसरी बात जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो हमको मिलनी चाहिए, जो 25 साल से हमारा इनके पास बकाया जाता है वो हमको अदा करें। और जो चौथी डिमांड है, जो हमारे वर्कर जो मर गए और जो रिटायर हुए हैं, तो जनाब उनके लिए 5 लाख रुपए की डिमांड हमने की है। हमने गवर्नमेंट से कुछ और कुछ नहीं मांगा है, हमने गवर्नमेंट को खाली इंसाफ मांगा है, जो हमारा हक है हम वही मांग रहे हैं। जिला रामबन के खड़ी इलाका में लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ी के लिए एक्वायर शुदा अराजी के एवज ताहाल मुआवजा न देने के खिलाफ एहतजाज किया है। इन जमींदारान का इल्ज़ाम है कि साल 2008 में ये अराजी प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ी तामीर करने के लिए ली गई है, लेकिन ना ही ताहाल मुआवजा दिया गया है और ना ही सरकार ये ज़मीन वापस कर रही है। इन ज़मींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस ज़मीन की मौजूदा नरखों के मुताबिक उन ज़मींदारों को मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फवक्तन आप यहाँ खड़ी की आवाज़ उजागर करते हो। तो आज कुछ लैंड ओनर्स थे, उन्होंने मुझसे बात करके ये जो मीडिया आपकी वसादत से आला काम तक पहुँचाने के लिए कहा। 2003 में ज़मीन लैंड ओनर्स जो है ज़मींदार जो है इन्होंने जेपी को दी थी 2003 में ज़मीन अपनी। 2007 तक वो उनके जेपी के कब्ज़े में रही, और इनके साथ जो उनका जो लफ्ज़ था वो ये था कि 2007 में जब हम ज़मीन छोड़ेंगे तो हम ये ज़मीन पूरी बना के देंगे, जिसको वो रोड या कोई भी कंस्ट्रक्शन जो बनाया हुआ था उन्होंने। तो कुछ जगहों पर जो ज़मींदार थे उन्होंने तो जेपी ने तो उनकी ज़मीन बना दी। अब ये हॉस्पिटल रोड का जो जहाँ से हॉस्पिटल रोड आता है
ये जमींदार ऐसे ही रह गए क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये हॉस्पिटल के लिए आप वक्फ कीजिए और हम इसका मुआवजा बनाएंगे। और इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी इसका अवार्ड बन चुका है लेकिन मुआवजा अभी तक किसी भी एक जमींदार को नहीं मिला। ये तो फिलहाल एक दो जमींदार मेरे साथ है, बहुत से जमींदार हैं जो आपके रूबरू होंगे, तो बिल्कुल भी आज तक मुआवजा नहीं मिला। आप बखू आप जमीन, ये जमीन कौन सी, ये रोड की जमीन है या जहाँ पर हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन होगी? हॉस्पिटल की के लिए जो रोड है, हॉस्पिटल के लिए जो रोड है, ये डिपार्टमेंट ने कहा था उस वक्त इनको कि ये जी आपको मुआवजा दिया जाएगा, ये रोड के लिए आप वक्फ कीजिए। अब इतना वक्फा गुजरने के बावजूद इनको अवार्ड में तो दिखा रहा है कि अवार्ड बन चुका है लेकिन मुआवजा ये आपके सामने है, मुआवजा इनको नहीं मिला है। ये किसने कहा आपको अवार्ड बन चुका है? ये यहाँ पर तो ये सबूत है ना, रेन्यू वाले भी अवार्ड बना हुआ है यहाँ पर, तो रेन्यू वालों ने दिया है लेकिन मुआवजा अभी तक इन्होंने इनको नहीं मिला मिला है, अवार्ड बन चुका है। तो अब अगर आप बखूबी वाकफ हो, अगर आज हम जमीन उस रोड में बना, क्या रेन्यू वाले यहाँ ये जमींदार जो है क्या रेन्यू डिपार्टमेंट के पास गए थे मुआवजा मांगने? रेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी गए थे और गवर्नर तक भी हमने बात पहुंचाई है लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ की इंतजामिया जो है, यहाँ चाहे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हो या तहसील इंतजामिया हो, हम खुदा रहे इनको कहते हैं कि इस पर नजरसानी की जाए। आप बोले ये अवार्ड बन चुका है, अब अगर ये अपनी जमीन में कोई भी काश्तकार कार्य करने जाते हैं तो वहाँ इनको इंतजामिया की तरफ से ये लेटर किसने बनाई? ये माल वालों ने बनाया है। तो ये जब ये लेटर जो है तहसीलदार बनिहाल की है, ये जब भी जाते हैं मतलब किसी भी अपनी जमीन पर कोई काश्तकारी करने, वहाँ इनको नहीं जाने दिया जाता है। अब ये तहसीलदार का मैंने आपको दिखाया, ये है बीएमओ का लेटर, इसमें ये लिखा गया है कि आप कंस्ट्रक्शन वहां बना सकते हो, कोई किसी की रुकावट नहीं है। अब आप देखिए दोनों में तजाद है। अब हम ये दोनों लेटर्स किस डेट की है? डेट तो इस पर लिखा हुआ है ना, डेट तो लिखा हुआ है। अब अगर ये पहले तो हम इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पहले ये तजाद जो है ये दूर किया जाए, और अगर अवार्ड बना हुआ है तो मुआवजा दिया जाए। वो तो मैं भी जुबानी बोल सकता हूँ कि मुआवजा इनको नहीं मिला है, तो इंतजामिया तक आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि इनको ये हॉस्पिटल रोड तक जो है इनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, बाकी जमींदारों का भी यही कहना है, जहां तक मुझसे बात हुई है उनका कहना है कि फिर आगे हम अगला लाए अमल तय करेंगे, फिर इंतजामिया नाराज नहीं होनी चाहिए, हम फिर दूसरा कदम भी उठा सकते हैं। चलिए सर, आप भी एक लैंड ओनर हैं और आपका इस हवाले से क्या कहना है, आपसे जमीन कब ली गई थी और आज तक आपको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? जनाब मैं 17 साल का बूढ़ा हूँ, अब मैंने कभी ना अदालत देखी है ना मैंने किसी स्पीकर के सामने बात की है, लेकिन आज मजबूरन मुझे ये यहाँ कहना पड़ता है। ये हमारी ज़मीन जो है ये जेपी वालों ने 2003 में ली थी किराए पर, और जब जेपी वाले यहाँ से चले गए 2007 में, उनके साथ अग्रीमेंट था कि हम आपको ज़मीन बना देंगे, तो बदकिस्मती से यहाँ हॉस्पिटल वाले जो है वो भी आए, लोग भी आए, एमएलए भी आए, सारे आए, कहा कि ये अस्पताल के लिए रोड ऐसे ही रखना है, इसका हम मुआवजा बना देंगे, आप मुआवजा लीजिए तो ये वक्फ कर दीजिए अस्पताल के लिए। ये ज़मीन वक्फ कर दी और इन्होंने हमारा फाइनल अवार्ड बना दिया, इस पर जाबराना 15% भी लगा दिया। कब आपने ज़मीन दी थी? 2003 दी थी ना, उधर 2008 में जब इन्होंने ज़मीन ले ली जनाब, उसके बाद हम इनके पीछे पीछे पीछे, कभी तहसीलदार के पास, कभी डीसी के पास, कभी किसी के पास, हाँ जी आज पैसे नहीं है, आज पैसे नहीं है, लेकिन बाद में जब लोग ज़मींदार तंग आए, जनाब यहाँ हमारे पास एक लैंड और है जो जिनके पास अपने लिए कहीं मकान बनाने के लिए एक मरल ज़मीन नहीं है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीएमओ को दरखास्त दी कि भाई हमारे पास ज़मीन ये है, ये आपने सारी ले ली है तो आप हमें मकान बनाना है, तो बीएमओ साहब ने उनको लिख दिया कि भाई
तुम इसमें मकान बना सकते हो, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है जनाब। उसके बाद इस वक्त तक हमें कोई भी, हम रोड में जाते हैं कभी SHO पुलिस लेकर पहुंचता है, तहसीलदार साहब पहुंचता है कि भाई वो लिया है आपने तो हमें दिखाओ कहाँ पैसे किसको दिए, या कोई नहीं, ये पता नहीं कौन सी चोरबाजारी है, ये हमें कोई पता नहीं। ये ऊपर से नीचे तक मेरे ख्याल में एक ही लाइन है, हम फंसे हुए हैं। हम मीडिया के वसादत से इन हजरातों को बोलते हैं कि हमें कुछ करके इस जमीन का फैसला कर दो, या हमें मुआवजा दे दो आज के रेट में जो, या हमें जमीन बना कर दे दो तो हमें कोई जरूरत नहीं है। जमीन ही बना कर दे दो क्यों, आपने ही रखी है, आपने ही रोड लिया है, इनका कोई इल्म नहीं है, ये कोई नहीं सुनता ही नहीं है किसी को भी नहीं। हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं, ना हमारे पास इतनी कोई पैसा है तो हम रामबन जम्मू तो श्रीनगर ढूंढ। हमने कल ही गवर्नर साहब को भी अपील की है, उसके पास भी वो हमारे पास नंबर है, तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें महज खुदा के लिए इस बात पे देखें। DC साहब से भी अर्ज कर दें आपकी आपके वसादत से, अगर वो ऐसा हमारा काम कर सकता है तो बिल्कुल। ये कहते हैं कानून का पालन करो, हम तो कानून का पालन करते हैं लेकिन ये लोग कानून का कोई पालन नहीं करते हैं। इन्होंने एक चोर बाजारी बना कर रखी है यहाँ पर, तो कोई बाला हाकिम आए यहाँ देखे क्या हाल है इन गरीबों का, जिनका बोलने का भी कोई हिसाब नहीं है, बोल भी नहीं पा सकते हैं हम किसी सादा इंसान के पास ही बोल सकते हैं, तो DC के पास कहाँ बोल सकेंगे। जिला डोडा में ब्लाक काजीगढ़ के ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन व कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी भट्ट ने जिला इंतजामिया डोडा पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतजामिया लोगों के मसाइल पर खातिर खा तवज्जा नहीं दे रही है और लोग एक साथ कई मसाइल से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बैक टू विलेज प्रोग्राम में भी लोगों ने अपने दर्जनों मसाइल का जिक्र किया है। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा है कि महकमा सेहत आमा मुलाजमीन की हड़ताल से लोग पीने के पानी से महरूम हैं और ब्लाक काजीगढ़ में ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर की खाली आसामी से भी आवाम और मजदूर तबका काफ़ी मुश्किल से दोचार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो काजीगढ़ ब्लाक के मसाइल को लेकर संजीदगी का रुख इख्तियार करते हुए जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि मैं कल अपने ब्लाक में बैक टू विलेज प्रोग्राम में 2-3 पंचायतों में गया, मुझे बहुत बड़ी कंप्लेंट है लोगों की आई। सबसे पहली कंप्लेंट ये है कि 40 FC का काम जो हमने हर पंचायत में किया है उस पेमेंट के बारे में लोगों ने बहुत शिकायतें की कि काम कंप्लीट है, बिल बने हुए हैं लेकिन पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि जिन लोगों ने काम किया है उनको ये 40 FC की पेमेंट मिलनी चाहिए। और मैंने DPO साहब को भी, SED साहब को भी आर्ज की है कि DPO साहब को बोले और 2 दिन के अंदर ये पेमेंट होनी चाहिए। अगर ये पेमेंट 2 दिन के अंदर नहीं होगी तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। दूसरा नंबर कि हमें DPO जो कास्तीगढ़ वोश उस वक्त खाली है तो वहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, जो असर से DPO साहब हैं उनको चार्ज दिया हुआ है, वो उनके पास 2-3 ब्लॉक्स का पहले ही चार्ज है। तो उससे भी हमें ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि वो हर जगह हर ब्लॉक में रोजाना नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ पेमेंट उन्होंने करनी है जो कि नरेगा की पेमेंट भी अभी कुछ पेंडिंग पड़ी हुई है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो DPO साहब को कास्तीगढ़ में होना चाहिए, वहां पे हर वक्त हाजिर, ताकि लोगों की पेमेंट न रुकेगी, या तो फिर जो भगवा से DPO साहब हैं उनको चार्ज दिया जाए ताकि वो नज़दीक है और हर वक्त लोगों की कंप्लेंट जो है वो नहीं आएंगी और पेमेंट भी होगी। तीसरा ये कि मैंने DC साहब से 3-4 बार रिक्वेस्ट की कि हमें मेडिकल असिस्टेंट लाहड़ी सब सेंटर, जो मेडिकल सब सेंटर लाहड़ी में है, वहाँ मेडिकल असिस्टेंट की असामी खाली है और वहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कल भी वहाँ लोगों ने बहुत शिकायतें की कि मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे है लेकिन कहीं अरसे से यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट को नहीं भेजा गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। और वहाँ पे पहले भी बड़ी शिकायतें आई थी क्योंकि कुछ लोग वहाँ मेडिकल असिस्टेंट ना होने की वजह से परेशान होते हैं और वो मजबूरन मेडिकल शॉप वालों के पास दवाई लेने के लिए जाते हैं और मेडिकल शॉप वाले उनको दो हाथ से लूट घसूट करते हैं और कुछ एक्सपायर इंजेक्शन वगैरह दवाई भी देते रहते हैं, जिससे पहले भी अगस्त के महीने में कुछ कंप्लेंट एक मेडिकल शॉप वाले की आई हुई थी और उसके बारे में भी बहुत बड़ा एक इशू हो गया था कि एक्सपायर दवाई दी थी, मेडिसिन एक्सपायर दी थी, तो उस पर इस वक्त भी लोगों में बड़ा गुस्सा है। तीसरी बात हमारे
जो टीपू लकड़ी का जो काश्तगढ़ में है उसमें लकड़ी नहीं है, तो डीसी साहब को मैंने लिखा भी था, व्हाट्सएप का मैसेज दिया था कि वहाँ पे लकड़ी होनी चाहिए जरूरी, लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उससे हमारे जिंदगी का नुकसान बच सकता है। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि B2, B3 में जो हमें किट्स दी गई उसमें पूरा सामान नहीं है, और वो सामान पूरा किया जाए, क्योंकि जो बच्चे इस वक्त क्रिकेट खेलते हैं उसमें हेलमेट नहीं है, ग्लोव नहीं है, पैड नहीं है, और भी दो तीन चीज़ें कुछ मैंने उसमें कमी देखी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चीज़ें भी उन किटों में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि रोड लोग इस वक्त रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं, कि अगर ऐसे ऐसे हमें ये सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है तो ये पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब मेरी इस आज की ये जो मैं दे रहा हूँ मैसेज दे रहा हूँ कि ये गौर से सुनेंगे, क्योंकि मैंने दो तीन बार डीसी साहब को ये मैसेज भी किया है कि हमें कुछ पीएचसी वालों की तरफ से भी कंप्लेंटें ज्यादा आ रही हैं, जेईज वगैरह जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके आगे एम्प्लॉयज जो है वो बहुत मस्ती मार रहे हैं। तो मैंने डीसी साहब को दो बार रिमाइंड भी किया है और दिया है, मैसेज भी दिया, उन्होंने खुद भी मुझे बोला कि आप मैसेज दे दो और मैसेज पे लिख दें, मैंने सारी डिटेल दे दी है। तो मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब हमारी सारी कंप्लेंटों को पूरी करके हमें ये सुविधा देंगे और हर डिपार्टमेंट के बारे में गौर वोर करेंगे। दिमागी सेहत के आलमी दिन यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के सिलसिले में ट्रॉमा अस्पताल खिलौनी में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर माहरीन ने इस दिन की मुनासबत से खसूसी खुतबात पेश किए और दिमागी सेहत के बारे में माहराना तबसरे भी किए। इस प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। Seeing and hearing things are not there. मतलब हमें ऐसा भी हो सकता है, इस बीमारी में ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज, मतलब हमारे यही कोई की है, डॉक्टर बलजी की है, अगर मैं इनको कहीं, मतलब मैं, मुझे ऐसा महसूस होगा वो वहां बैठे होंगे, मतलब वो नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। My name is Dr. Fahim Wani and I am medical officer trauma hospital Kileni. आज 10th of October है जो कि वर्ल्ड वाइडली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के तौर पे मनाया जाता है दुनिया में हर जगह। ये आज के दिन ही 10th of October को मनाया जाता है। तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ, क्या है मेंटल हेल्थ? Includes our emotional, psychological and social well-being, and it affects how we think, how we feel and how we act. It also helps determine how we handle stress, relate to others and make choices. मतलब ये सब चीजें एक तरह की आप डेफिनेशन ही मान लो इसकी, जिसमें हम इसमें इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग में भी अच्छा होना चाहिए, और इसमें मतलब हम कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और जो हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है उसको हम कैसे स्ट्रांगली उससे लड़ते हैं, उसको हैंडल करते हैं, और ऐसी चॉइसेस बनाते हैं, मतलब चॉइसेस का मतलब इसमें ये चॉइसेस बनाते हैं जिसमें हम किसी मुसीबत से, मतलब स्ट्रेस से या किसी चीज़ से बाहर निकल आ पाए। तो ये सब चीज़ें आजकल पैंडमिक है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, उन्हें अवेयर करना, क्योंकि पैंडमिक और लॉकडाउन की वजह से पहले ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, स्ट्रेस जो लोगों के अंदर भरा हुआ है उसमें मतलब बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है उस चीज़ में। तो हमें लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए, हर किसी को इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए लोगों को। हाल ही में जम्मू कश्मीर के खसूसी इम्तहानात कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नुमाया कारकर्दगी का मुतालबा करने वाले नौजवान गाजी अब्दुल्ला के एजाज में फौज की DSIR ने खसूसी मुबारकबाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गाजी अब्दुल्ला की इज्जत अफजाई की गई और उनको नई नस्ल के लिए मिशाल राह करार दिया गया। आप आगे चले जाते हैं तो उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तालीम के रिलेटेड, तो उस चीज को भी टैकल करना होता है। आपके सामने बहुत गलत ख्याल भी आ जाते हैं कि आप, मैं छोड़ दूं, ठीक है, आप बहुत हो गया, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा बहुत लग गया, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलात आ जाती है, बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी, मैं सोचता था कि
मतलब ये जो पढ़ाई है इसको मैं कैसे कंप्लीट करूं, मैं ट्यूशन दे देता था बच्चों को। तो उस चीज के लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां पे आए और यहां पे अपने हमारे जो हमने ये प्रोग्राम रखा है इसमें शरीक हो। सबसे पहले तो मैं मिस्टर गाजी अब्दुल्ला को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लगन से इस मुकाम को हासिल किया। ये आसान बात नहीं है। जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास पैसा होता है या जिसके पास फैसिलिटीज होती हैं, वो उस चीज़ को भी बड़ी मेहनत के बाद ही ले पाता है। पर मिस्टर गाजी अब्दुल्ला ने इस सिचुएशन में, इस हालात में कुछ नहीं होते हुए भी, इतने टफ सिचुएशंस में इंटीरियर इलाके से आते हुए भी एग्जाम क्रैक किया, और नहीं एग्जाम क्रैक किया बट बहुत ही अच्छे रैंकिंग हासिल करी। वो अपने आप में लाजवाब है। ओबियसली ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप सबसे पहले स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस सुनते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूजुअली जो स्टूडेंट्स थे उनका कंसर्न मेंटल हेल्थ के रिलेटेड था, डिप्रेशन के रिलेटेड था, टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड था, और ख़ासकर उनका ये था कि हाउ कैन वी क्रैक इट लाइक यू डिड, कि बिना किसी कोचिंग के यहाँ से पीजी चल रही थी, तो हाउ कैन वी क्रैक इट। तो ओबियसली उनको जो आंसर्स मिले, आई थिंक दे वर वेरी कन्विंस्ड, और एक अच्छा सेशन रहा यहाँ पे। तो कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के स्टेज मिलते हैं आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है। आप एक एक्सपीरियंस करते हैं, एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आपका होता है जहाँ पे आप इवन कि स्टूडेंट्स के बारे में ही सुनते हैं, उनको आप मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इन शॉर्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर के खसूसी इम्तहानात कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नुमाया कारकर्दगी का मुतालबा करने वाले नौजवान गाजी अब्दुल्ला के एजाज में फौज की DSIR ने खुसूसी मुबारकबाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गाजी अब्दुल्ला की इज्जत अफजाई की गई और उनको नई नस्ल के लिए मिशाले राह करार दिया गया। जो ही आप आगे चले जाते हैं तो उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तालीम के रिलेटेड, तो उस चीज को भी टैकल करना होता है। आपके सामने बहुत गलत ख्याल भी आ जाते हैं कि आप मैं छोड़ दूं, ठीक है आप बहुत हो गया, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा बहुत लग गया, ठीक है बहुत सारी मुश्किलात आ जाती है, बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी, मैं सोचता था कि मतलब ये जो पढ़ाई है इसको मैं कैसे कंप्लीट करूं, मैं ट्यूशन दे देता था बच्चों को। तो उस चीज के लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां पे आए और यहां पे अपने हमारे जो हमने ये प्रोग्राम रखा है इसमें शरीक हो। सबसे पहले तो मैं मिस्टर गाजी अब्दुल्ला को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लगन से इस मुकाम को हासिल किया। ये आसान बात नहीं है। जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास पैसा होता है या जिसके पास फैसिलिटीज होती हैं, वो उस चीज़ को भी बड़ी मेहनत के बाद ही ले पाता है। पर मिस्टर गाजी अब्दुल्ला ने इस सिचुएशन में, इस हालात में कुछ नहीं होते हुए भी, इतने टफ सिचुएशंस में इंटीरियर इलाके से आते हुए भी एग्जाम क्रैक किया, और नहीं एग्जाम क्रैक किया बट बहुत ही अच्छे रैंकिंग हासिल करी। वो अपने आप में लाजवाब है। ओबियसली ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप सबसे पहले स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस सुनते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूजुअली जो स्टूडेंट्स थे उनका कंसर्न मेंटल हेल्थ के रिलेटेड था, डिप्रेशन के रिलेटेड था, टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड था, और ख़ासकर उनका ये था कि हाउ कैन वी क्रैक इट लाइक यू डिड, कि बिना किसी कोचिंग के यहाँ से पीजी चल रही थी, तो हाउ कैन वी क्रैक इट। तो ओबियसली उनको जो आंसर्स मिले, आई थिंक दे वर वेरी कन्विंस्ड, और एक अच्छा सेशन रहा यहाँ पे। तो कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के स्टेज मिलते हैं आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है। आप एक एक्सपीरियंस करते हैं, एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आपका होता है जहाँ पे आप इवन कि स्टूडेंट्स के बारे में ही सुनते हैं, उनको आप मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इन शॉर्ट। नावल कोरोना वायरस वबाई बीमारी से बचने के लिए फौज की 4RR ने कुलशाड़ी भद्रवा में खसूसी बेदारी मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर 600 ज़रूरतमंदों में मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए गए। लोगों ने 4RR के कमांडिंग ऑफिसर मेजर अमित कुमार व उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इलाका के सरपंच सजाद अहमद मीर भी मौजूद थे। सर आज जैसे श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पे उन्होंने शुरू किया है, कोरोना वायरस के खिलाफ एक जन आंदोलन स्टार्ट किया हुआ है,
टू प्रिवेंट हाउ टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज. तो इसमें एज पर डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आज हम अपने आपस में एक जन आंदोलन की एक शब्द जो प्लेज थी हमने भी अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हमारे इसमें हमने यही अपने स्टाफ और दूसरे लोगों को यही समझाया कि एक तो मास्क हमने पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और हैंड वॉशिंग करना है, और अपने जो आस पड़ोस में भी जो लोग हैं उनको सबको अवेयर करना है कि हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज. और अब यह खुसूसी इतला, मोहम्मद अब्बास, वल्दे गुलाम कादिर, सागना शामठी, तहसील काजीगढ़, जिला डोडा, गुज़श्ता सोमवार सुबह 9 बजे से अपने घर से लापता है. अगर किसी भी शख्स को मोहम्मद अब्बास, वल्दे गुलाम कादिर के बारे में कुछ भी इलम हो तो बराए मेहरबानी फ़ोन नंबर 95692823 9596928223 और फोन नंबर 6006148130 पर रابطہ करें. तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का खसूसी खबरनामा यही इख्ताम होता है. मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगानी रही तो कल फिर मुलाकात होगी. आदाब.